लास्ट में हो जाए हमारे मैथ्स के पैटर्न की थोड़ी सी रिवीजन। मैथ्स हमने काउंटिंग याद अभी तक कर चुके हैं, 0 to 6, 0 to 6 ही के मैंने डॉट्स लगाए हैं इस तरह से। बच्चों को भी एग्जाम में अभी हम 2 या 3 डॉट्स ही देंगे, बट इन फाइनल टर्म एग्जाम्स सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 डॉट्स होंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इन मैथ्स, मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ, मैथ्स में फाइनल टर्म में 1 या 2 डॉट्स होंगे, इंग्लिश और उर्दू में 2 डॉट्स नहीं होंगे, ओनली सिंगल डॉट होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं 0 से। 2 डॉट्स लगे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों ने इसको स्ट्रेट लाइन बनाना है, नो। 2 डॉट्स इसलिए ताकि आप यहां से फुल सर्कल ज्वाइन कर सकें। मैथ्स का रूल ये है, एवरी डिजिट टच द बॉक्स फ्रॉम अप साइड एंड डाउन साइड, बट इट विल नॉट टच द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉक्स। मैथ्स में कोई भी डिजिट ऊपर और नीचे से टच करता है बॉक्स को, लेकिन लेफ्ट राइट से कभी भी टच नहीं करता, ठीक है। 0 फुल सर्कल है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डॉट ऊपर से नीचे लाइन को टच करके, बॉक्स को टच करके अगेन ऊपर जाएंगे, तो दिस इज आवर 0, ये बन जाएगा हमारा 0। 0 के बाद क्या आता है, 1। इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करेंगे एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इज आवर नंबर 1। उसके बाद 0 1 1 के बाद क्या आता है, 2। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डॉट वी विल ड्रॉ अ हाफ सर्कल जो ऊपर बॉक्स को टच करेगा, देन वी विल ड्रॉ अ स्लंटिंग लाइन जो इस डॉट तक जाएगी, एंड आफ्टर इट वी विल ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन, और ये हमारा अच्छा सा प्यारा सा नीट 2 बन जाएगा, ठीक है। After writing 2, what comes after 2? 0, 1, 2 and 3. What is the formation of 3? Joining these 2 dots and draw a sleeping line. Jo box ko touch karegi, box se bahir bilkul bhi nahi jayegi. 3. Then from this dot to this, draw a slanting line and a half circle jo box ko niche touch karega. बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, दिस इज आवर नंबर 3। 4, हाउ वी कैन राइट 4, फ्रॉम दिस डॉट टू दिस वन ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन, देन फ्रॉम दिस डॉट टू दिस ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन, और यहां से आगे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है जो लाइन बॉक्स को नीचे टच करेगी, बॉक्स से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, लेफ्ट राइट पे भी नहीं जाएगी और ऊपर नीचे को टच करेगी, ठीक है। उसके बाद 5, हाउ वी विल राइट 5, ज्वाइनिंग दीज 2 डॉट्स अ स्लीपिंग लाइन, फ्रॉम दिस डॉट टू दिस वन अ स्लांटिंग लाइन, देन From this dot, we will draw a half circle, जो box को नीचे touch करेगा, box से बाहर नहीं जाएगा, this is the formation of our number 5. 5 has a slanting line, not straight line. I'll always remember this. Then, we will write 6. How we will write 6? From this dot to this one, we will join these dots and draw a slanting line. Then, we will draw a half circle, यहां से box को touch करके एक आपने half circle बना देना है, this is our number 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गई हमारी counting का pattern from 0 to 6. इस पैटर्न को ध्यान से देखिए और इसी के मुताबिक बच्चों को वर्किंग एंड तैयारी करवाइए। थैंक यू सो मच।